नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे स्कॉर्पियो, जो आपकी क्लासिक मॉडल में आती है, जो नए लोगों के साथ आई है। बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो आज इस पूरी वीडियो में हमारा एक इसका एक छोटा सा रिव्यू होने वाला है, इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं पुरानी वाली स्कॉर्पियो से, जो हमारी स्कॉर्पियो के नाम से आती थी पुरानी, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आइए फ्रंट से बात करते हैं। फ्रंट में इसमें आपको डुअल चैम्बर हेडलैम्प्स मिल जाती है, जिसमें आपका एक प्रोजेक्टर रहता है। दोनों ही हैलोजन सेटअप है, इसमें कोई एलईडी आपको सेटअप नहीं मिलता है। वहीं नीचे की बात करें तो यहाँ पे आपको फॉग लैंप मिल जाते हैं। साथ ही साथ कुछ चेंजेस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसमें आपको DRLs मिल जाती हैं। और अब यहाँ से हम सेंटर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें आपको बिल्कुल नई ग्रिल मिली है, जो पूरी तरीके से मैच करती है आपकी स्कॉर्पियो N की तरह। तो ये खड़ी स्कॉर्पियो N, आप इसकी ग्रिल देख सकते हैं, एंड साथ ही साथ आप इसकी ग्रिल भी देख सकते हैं। तो छोटा सा एक आपको मैं कंपैरिजन भी दिखा सकता हूँ कि फ्रंट से जो आपकी स्कॉर्पियो क्लासिक है वो कुछ इस तरह लगती है, और वहीं स्कॉर्पियो N कुछ इस तरह लगती है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कौन सी गाड़ी पर्सनली अच्छी लगती है। तो यहाँ पे आपको महिंद्रा का बिल्कुल ही नया लोगो दिया गया है। यहाँ पे आपको बोनट में ये हुड मिल जाता है, और जो चेंजेस हुए हैं वहीं साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पे इसमें आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स आते हैं, जो बिल्कुल एकदम आपके नए डिज़ाइन में आए हैं, पहले के थोड़े डिफरेंट थे। साइड में आप यहाँ देखेंगे इसमें आपको डोर क्लाइडिंग आपकी मिल जाती है, साइड बॉडी क्लाइडिंग, जो बिल्कुल डिफरेंट है ब्लैक एंड सिल्वर पार्ट के साथ। आइए गाड़ी में एक बार अंदर चलते हैं, एंटर करते हैं। तो गाड़ी में जो S11 में आपको लेदराइट सीट मिल जाती थी, वो आपको इसमें अभी नहीं मिलती है। सीट्स बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई हैं, फैब्रिक में हैं आपकी, और बेज कलर में इसमें आती हैं। और सबसे अच्छा चेंज जो मुझे ये लगा है स्टीयरिंग में आपका नए लोगों के साथ, साथ ही साथ पियानो ब्लैक फिनिश का इसमें बहुत अच्छा यूज़ किया गया है। आइए गाड़ी के एक बार अंदर चलते हैं तो कुछ जो चेंजेस होंगे वो आपको बताते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बीच में बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। यहाँ पे इसमें आपको, अगर आप देख सकते हैं, इसमें आपको एंड्रॉइड म्यूजिक सिस्टम दे दिया गया है, जो कि आपका 9 इंच का आता है। तो इसमें आप वीडियोस वगैरह भी प्ले कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको वुडन टेक्सचर मिल गया, वुडन फिनिश, ये आप देख सकते हैं प्रॉपर। और जो यहाँ पे आपकी सिल्वर फिनिश आती थी उसकी जगह आपको यहाँ पियानो ब्लैक फिनिश मिल गई है, और इसी के साथ यहाँ पे भी नीचे। और स्टीयरिंग कुछ इस तरह इसका लगता है। गाड़ी को एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। इसमें आपका NVH लेवल में भी आपका थोड़ा सा डिफरेंस आया है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो पहले वाली स्कॉर्पियो आती थी उसके कंपैरिजन में। तो आइए एक बार गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। एक बार तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वही अपना पुराना वाला है। क्लच जो है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट दिया गया है पहले के कंपैरिजन में। तो देखिए मैं यहाँ पे बिल्कुल फैन बिल्कुल बंद कर देता हूँ, एसी मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। थोड़ा सा मैं इसको रेव करता हूँ तो आप प्लीज ईयरफोन्स लगा के चेक कीजिएगा कि आपको कितनी साउंड आती है इसमें। तो इंजन पहले से ट्यूनअप किया गया है, पहले इसमें 140 PS की पावर आती थी, जो कि आपकी इस टाइम 132 PS हो गई है, और 300 न्यूटन मीटर का इसमें टॉर्क हो गया है। तो गाड़ी की कुछ सीट्स आप देख सकते हैं, आर्मरेस्ट अभी आपके पिन्नी से अभी पैक हैं, बाकी बेज कलर में है। थोड़ा सा टेक्सचर मैं आपको दिखा सकता हूँ, कुछ इस तरीके का इसमें आपको टेक्सचर मिलेगा। रियर सीट पे चलते हैं, रियर सीट में हमारा क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आप ये देख सकते हैं। टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है, तो इसमें आप देख सकते हैं स्कॉर्पियो का स्कॉर्पियो पूरी इसमें आपको शो हो जाती है। और साथ ही साथ इसमें अगर आप क्लोज करके देखेंगे तो इसमें आपको अलॉय व्हील्स जो अब वाली जो स्कॉर्पियो में आते हैं वही आपको मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब म्यूजिक सिस्टम भी पूरी तरीके से अपडेटेड है। तो आइए एक बार इसकी बैक सीट में चलते हैं। ये बैक सीट की बात की जाए तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दोनों ही हेडरेस्ट जो हैं एडजस्टेबल मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको आर्मरेस्ट यहाँ से मिल जाता है। अंडर थाई सपोर्ट इस गाड़ी में बहुत अच्छा मिलता है आपको शुरू से ही, और गाड़ी में और कोई ज़्यादा चेंजेस है नहीं। तो आप देख सकते हैं रेड कलर की ये गाड़ी है। तो ये थी सेकेंड रो, एंड अब चलते हैं हम इसकी फाइनल थर्ड रो में। उससे पहले आपको बैक का लुक दिखा देते हैं। तो यहाँ पे ना इसमें कुछ आपकी एलईडी सेटअप वही पुराना वाला मिलता है, और ऊपर की तरफ आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। यहाँ स्कॉर्पियो क्लासिक की बैजिंग मिल जाती है, आप देख सकते हैं S11 वेरिएंट है माइक्रो हाइब्रिड के साथ। आइए एक बार इसके बूट को ओपन करके देखते हैं।
तो आप देख सकते हैं ये साइड फेसिंग वाली इसमें सीट मिलती है। अब इसके बाद पता चलेगा कि ये आपकी कैप्टन सीट ऑप्शन के साथ भी आएगी यानी, तो इसके भी प्राइस वगैरह कुछ अनवील नहीं हुए हैं। गाड़ी की डिलीवरीज कब से स्टार्ट होगी उसके लिए भी आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर एंड मेल आई डी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए एक बार इसका फ्रंट से एक बार और लुक देख लेते हैं। तो फ्रेंड ये थी इस गाड़ी से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन स्कॉर्पियो क्लासिक से। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये गाड़ी कैसी लगी, और इस गाड़ी से रिलेटेड आप किसी भी तरीके कोई इंक्वायरी एंड बुकिंग से रिलेटेड अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, एंड साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।